बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज, आज के इस वीडियो में देखेंगे जो भी छात्र बीएससी सेकेंडरी में है उनके लिए हम लेके आए हैं जूलॉजी का थर्ड पेपर है और ये यूपी की आल यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूपी की आल यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आओ जो 2022 में आपके पेपर होने वाले हैं उनके। मैं आप जो क्वेश्चन दे रहा हूँ आप इसके अलावा कुछ और मत पढ़ना, मैं आपसे बोल रहा हूँ कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है यदि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से पढ़ के चले जाते हो। मैं आपसे वादा करता हूं आप यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, मैं बोल रहा हूं आप राम मनोहर, देखो राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से हैं, या फिर आगरा यूनिवर्सिटी से पढ़ती है, या फिर आप कह सकते हैं कानपुर यूनिवर्सिटी से हैं, झांसी यूनिवर्सिटी से हैं, राम और देखो कह सकते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी बनारस से हैं, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, यूपी की किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, मैं आपसे बोल रहा हूँ यूपी की किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आप यही पढ़िए, आपका सिलेबस में एक एक क्वेश्चन मिलेगा। मैं यार बार बार सभी यूनिवर्सिटी के अलग अलग से तो वीडियो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि आपको पता है कि 70 से अधिक पॉपुलर, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो यूनिवर्सिटी हैं, तो 70 वीडियो बनेंगी एक वीडियो का, आप समझ सकते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकता मैं, इतना नहीं है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बस यही क्वेश्चन पढ़िए, बाकी कुछ मत देखिए। आप अपने बुक नोट्स गैस पेपर जिससे भी आप तैयारी कर रहे हैं उसको ओपन करिए और यही पढ़िए, बस यही पढ़िए। आप पेपर देने के बाद आप ये कहोगे ना, सच में पेपर देखते ही आप कहोगे कि सर ने जो कहा वही क्वेश्चन आया है, और वही आएगा यार, मैं आपसे बोल रहा हूँ। जो भी पेपर हुआ करें व्हाट्सएप पर आप हमें सेंड किया करें, तुरंत व्हाट्सएप नंबर आपको पता होगा 7037327738 और 38, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर तुरंत सेंड करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। एक न्यू चैनल हमारा खुला है जिसका नाम है खिलाड़ी भैया XYZ, उस चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा प्यार उसको भी दो, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हम बात करने वाले हैं बेटा बीएससी सेकंड ईयर वालों के लिए जूलॉजी का थर्ड पेपर के बारे में। सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर मैंने पहले से अपलोड कर रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। हमारे नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अलग अलग लिंक है, आप जाइए, सेकेंड ईयर का अलग मिल जाएगा, फर्स्ट ईयर का अलग मिल जाएगा, थर्ड ईयर का अलग मिल जाएगा, सबका अलग अलग मिलेगा, आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पहला क्वेश्चन आप देखेंगे पाचन तंत्र, ठीक है, तो डाइजेशन सिस्टम ऑफ फूड, मतलब बोला जाएगा कि भोजन का पाचन कैसा होता है, क्योंकि थर्ड पेपर में सब मानव से रिलेटेड क्वेश्चन भरे हुए हैं कि जो बॉडी में प्रॉब्लम जितनी भी होती हैं, सब क्रियाएं होती हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो सब कुछ रखा गया है। तो देखो यहाँ भोजन के, मतलब भोजन का पाचन कैसे होता है, हम जो खाते हैं उसका पाचन कैसे होता है, तो वो चीज़ हम बताएंगे तंत्रिका कोशिका के बाद में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जो मैं बॉक्स में बंद करूंगा वो आपके लिए रटना होगा क्योंकि वो पेपर में छपेंगे, याद रखना है, क्योंकि आपको 85% प्लस लाना है, मतलब कि टॉपर बनना है ना, तो थोड़ी सी कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। वही बात करें नाइटिस टेस्ट को, इसको छोड़ दीजिए वेस्ट को, और यहाँ बोला गया है देखो स्तनधारियों में श्वसन प्रक्रिया, मतलब कि श्वसन प्रक्रिया का मतलब होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब कि हमसे सांस लेने की क्रिया के बारे में, ठीक है, रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में, MMMs स्तनधारियों में सांस लेने की प्रक्रिया कैसी होती है। रक्त स्कंदन क्या होता है, जैसे हम रुधिर क्या होता है, रुधिर के कार के बारे में, रक्त क्लोडिंग, रक्त स्कंदन क्या होता है, थक्का जमना, तो कहते हैं ना कट गया और थक्का जम गया, वो चीजें यहाँ पे याद करेंगे। ओके समझ में आ रहा है सभी को, चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहली बार तो चैनल पे है, और जो लाइक कर दीजिए सभी वीडियो को, एक बार लाइक करेंगे, देखो यार थोड़ा संघर्ष कर रहा हूँ आपके लिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो ला रहा हूँ तो उसको समझिए, और आप ये मत कहिए कि सर मेरी यूनिवर्सिटी के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना दो। आपके बुक में यदि गैस पेपर क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन ना मिल रहे हैं तो मुझसे कहो कि सर मेरे लिए बना दो, ये आपका जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है ये मेरे बुक में नहीं मिल रहा है, किसी भी तीनों पेपर में से किसी पेपर में नहीं मिल रहा। फर्स्ट पेपर में देखो ऐसा ऊपर नीचे पेपर हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में, मेरा पेपर ये थर्ड है वो आपका सेकेंड हो, ठीक है, सेकेंड में मैच खाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हो सकता है, लेकिन आपके बुक में गैस पेपर में नोट्स में आपका सिलेबस से चेंज है, ये क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, तो आप मुझसे कहो कि सर मैं आपको सिलेबस भेज रहा हूँ मेरे व्हाट्सएप पे, मेरा नंबर आपको बता रखा है, व्हाट्सएप पे आप भेजना, मैं उसके थ्रू आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा और वही छपेंगे पेपर में, मैं बोल सकता हूं आपसे। अब यहां देखिए नाइट्रोजन उत्सर्जन के बारे में आप याद करेंगे, नाइट्रोजन उत्सर्जन के बारे में, और मूत्र का निर्माण कैसे होता है, आपको जानते हैं मूत्र का निर्माण वक्र में कैसे होता है, किडनी द्वारा मूत्र का निर्माण कैसे होता है वो आप देखेंगे, और आप उसका महत्व क्या होता है, पेशी ऊतक, पेशी किसे कहते हैं, ठीक है, मसल्स से बोलते हैं उनको आप याद करिए,
उसके बाद कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वसा को भले ही आप छोड़ सकते हैं लेकिन आपके लिए ये पेपर में तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा। ये तीन चीजों के बारे में आपसे पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट्स का वर्णन करिए, प्रोटीन्स का वर्णन करिए, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाइए, वसा का वर्णन करिए। ठीक है, ये चीज। यकृत की संरचना आप देखेंगे, हृदय, हार्ट की संरचना आप देखेंगे और लीवर की संरचना, लीवर का स्ट्रक्चर आप बनाएंगे और हार्ट का, दोनों को अच्छे तरीके से याद करके जाइएगा। ओके, यहां आप देख रहे हैं स्तनधारियों में थायराइड ग्रंथि की संरचना। थायराइड ग्रंथि जानते हो, ये हमारे गले में पाई जाती है थायराइड ग्रंथि। ठीक है, और ये अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी और बाहस्रावी ग्लैंड, दोनों में अंतर को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। दोनों में आपको बता दूंगा, यहां भले ही अंतःस्रावी मत याद करिए लेकिन नीचे अंतःस्रावी और बाहस्रावी दोनों आपको देखेंगे। देखो यहां आपको क्या देखना है, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ये मानसिक चक्र है और ये है बेटा हार्मोन्स के महल। मानसिक चक्र तो आप जानते होंगे, जिसे पीरियड बोला जाता है, जो महिलाओं में हर 28 दिन बाद साइकिल के तौर पर चलता है, मतलब हर 28 दिन बाद। ठीक है ना, हर 28वें दिन से कह सकते हैं। तो ये मानसिक चक्र के बारे में एक्सप्लेन आपको करना होगा, याद करके जाना है। यहां देखिए, ये है एंजाइम। एंजाइम क्या होता है, स्वभाव, कार्य प्रणालियों के गुण और उनके बारे में आपको देख लेना है। मतलब काल जो कार्य प्रणाली होती है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, किसके बारे में, एंजाइम। एंजाइम के प्रकार जरूर देख लेना, क्योंकि कोएंजाइम, सहएंजाइम, जो कोएंजाइम को सहएंजाइम कहते हैं, प्रोएंजाइम। ठीक है, ये जो एंजाइम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके बार बार पेपर में बनते हैं। मैंने आपसे कहा कार्बोहाइड्रेट्स बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना, कार्बोहाइड्रेट्स के संगठन, ठीक है, आणविक संरचना के बारे में। कार्बोहाइड्रेट 100% बनेगा आपके पेपर में, मैं बोल रहा हूं, आप इसको पढ़ के जाइए, सब बदलो, बार बार आप इस क्वेश्चन को रटिए। लिपिड से मैंने कहा था, ऊपर आपसे बोला था लिपिड के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ के जाइए, पढ़ के जाना है, मत पढ़ो यहां, ऊपर मैंने बोला था कर पढ़ा। यहां देखो ये वाला क्वेश्चन को, इसे कहते हैं आधार उपाचीय दर, जिसे बोलते हैं BMR। ठीक है, और विटामिन क्या होते हैं, विटामिन के बारे में मैंने कहा, बॉडी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहां देखने को मिलेंगे। कौन से विटामिन से कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन से रतौंधी, विटामिन बी से, ठीक है, वेरी वेरी विटामिन सी से, स्कर्वी, विटामिन डी से सूखा रोग हो जाता है। ठीक है, ठीक है ना, ये चीज आप देखेंगे, विटामिन ई से, हाँ, जलन क्षमता की कमी जिसे बोलते हैं बांझ रोग, भाई बांझपन, विटामिन ई की कमी से होता है। ठीक है ना, बांझपन, फोन कर रहा है पता नहीं। इस क्वेश्चन को देखो, यहां देखो क्रमांकुजन क्या होता है, इसको आप अच्छे तरीके से देखिए, इसकी प्रक्रिया को देख लेना। श्वसन रंजक कौन कौन से होते हैं, पिगमेंट को देखना, रेस्पिरेटरी पिगमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन बनता है। इसको देखिए, क्लोराइड शिफ्ट क्या होती है, क्लोराइड शिफ्ट, इसको आप पढ़ के जाइए। ठीक है, हैम्बर्ग जिसे कहते हैं फिनोमिलॉन। और देखो ये देख रहे हैं ना, बोहर इफेक्ट, बोहर इफेक्ट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, बोहर इफेक्ट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, जस्ट मोमेंट। अब उसके बाद आप यहां देखिए, ये क्वेश्चन आप लगा चुके हैं, चलो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, बस आप यही पढ़िए, मैं आपसे बोल रहा हूं कुछ और मत पढ़िए यार। आपके बुक में, नोट्स में, गेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन मिल रहा है तो क्यों बार बार और कुछ पढ़ोगे, बताओ मुझे, क्यों कह रहे हो कि ये, देखो यार सारे नहीं बना सकता मैं, बहुत यूनिवर्सिटी है, ऐसे अलग अलग कहां तक बनाऊंगा, सिलेबस भाई है, सब कुछ भाई है, तो फालतू में उसे, यदि सिलेबस चेंज है, क्वेश्चन नहीं मिल रहे, तो मुझसे कहो कि सर क्वेश्चन नहीं मिल रहे, बहुत अजीब है, तो मैं बना सकता हूं उसके लिए, ये चीज सोचो। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो एक बार, बोर इफेक्ट हो गया, इसको देखो इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम, इसको ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ के जाइए, इसको एक बार पढ़ के जाइए। इसको देखिए, बाहस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों आ गई, बाहस्रावी और अंतःस्रावी ग्लैंड, जो मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है और 100% ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगा, आप देख लेना, 100% की बात कर रहा हूं, ये पेपर में छपेगा, आप इसको रट के जाइएगा। अब यहां देखिएगा सभी लोग, ये जो है आप प्रतिवर्ती क्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये कौन सा होता है, रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरी अचानक क्या होता है, कह सकते हैं ना, मतलब आंखों के पास में कुछ, आप ऐसे कुछ गया और आंखें का झपक जाना, पलकों का झपक जाना, ये क्या होता है, एक ये प्रतिवर्ती क्रिया होती है, आंखों का झपक जाना, अचानक छींक आना, ये सब प्रतिवर्ती क्रिया है। ठीक है, अचानक जो क्रिया होती है, हमारा माइंड इसको नहीं करता है, हमारा बॉडी को पता ही नहीं होती क्या हो रहा है, अचानक वो पीछे हट जाना, कहते हैं ना कुछ पैर में जरा सा चुपते ही पीछे हट जाना, हमें पता थोड़ी था यहाँ कुछ है, लेकिन प्रतिवर्ती क्रिया हुई, वो चीज है, छींक आना, ये सब हमारी रिफ्लेक्स एक्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये चीज हमें देखेंगे। यहां देखिए, यहां पर पेशी स्रवृत्ति किसे कहते हैं, पेस मेकर मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट पे लगा देना, पेशी स्रवृत्ति और प्रतिवर्ती धारा पे, ये टिटनिस क्या होता है, इसको छोड़िए, ये कौन सा चक्र है बेटा, कैरी साइकिल, इसको पढ़ के जाइए, सोडियम पंप को पढ़ के जाइए, पिंक्राइस जानते हैं, पिंक्राइस जिसे हम अग्न्याशय बोलते हैं, और अग्न्याशय में लैगरहंस की दुपिकाएं पाई जाती हैं, ये तो सभी को पता होगा, लैगरहंस की दुपिकाएं, ये अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये देखिए,
इंसुलिन यही से हार्मोन, ठीक है, अग्न्याशय से, इसको देखिए बीटा हार्मोन्स, इसको देखिए यहां बोला गया है एंड्रियल ग्रंथि, एंड्रियल ग्रंथि इज मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पेपर में छपता है, पेपर क्वेश्चन बनता है, ये है न्यूरोहायोफाइसिस के बारे में पढ़, हो सके तो ये क्वेश्चन हो तो पढ़ लेना, ना हो तो छोड़ देना, ठीक है, हो तो पढ़ लेना, ना हो तो छोड़ देना, बस लास्ट में ये पढ़ लेना है। ये देखिए ताराकुंजी सिद्धांत, ये क्वेश्चन दिया हो आपके क्वेश्चन बैंक में तो पढ़ लेना है, और यहां देखिए ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, देख लो प्रेरित फिट सिद्धांत, ये कोएंजाइम, कोएंजाइम को सहएंजाइम भी बोलते हैं, कोएंजाइम से बोलते हैं, ठीक है, इसे पॉलीसेक्राइड्स इज मोस्ट इंपोर्टेंट, पॉलीसेक्राइड्स इज मोस्ट इंपोर्टेंट, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है बॉडी के अंदर, ट्रांसपोर्ट की बात करने वाले, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, इन दोनों ट्रांसपोर्टों को अच्छी तरीके से देख लेना है, ठीक है। उसके बाद में देखो जो कोएंजाइम मैंने ऊपर बताया, कोएंजाइम को सहएंजाइम के नाम से बोलते हैं, इसको हटा देना है, और ये है आपातकालीन हार्मोन्स, आपातकालीन हार्मोन्स है जब हमें कोई जरूरत पड़ती है तब ये हार्मोन स्रावित होते हैं, ठीक है, ये है जठरास्थ हार्मोन्स, जठरस के द्वारा जो अग्न्याशय में निकलते हैं। यहां देखो कोलेस्ट्रॉल की संरचना, कोलेस्ट्रॉल की संरचना ये पढ़ लेना, बस ये क्वेश्चन थे 2022 में आने वाले। आप यूपी की किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आगरा से हैं, बिहार से हैं, एमजेपी आर से हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, बस यही पढ़िए, बाकी कुछ और मत देखिए, और आप लाएंगे 85% प्लस 2022 के एग्जाम में, मैं आपसे वादा कर सकता हूं, क्योंकि हम लोग वो आपको बताते हैं जो आपको पेपर में आ रहे हैं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और एक न्यू चैनल है उसका नाम है खिलाड़ी भैया एक्स वाई जेड, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।